हिंदू धर्म के अनुसार इन चार प्रकार से होती है महाप्रलय। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म संसार का सबसे प्राचीन प्रमाणिक धर्म है, जिसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों का समावेश प्राचीन ऋषि मुनियों ने किया है। उसी एक सिद्धांत में महाप्रलय का भी वर्णन मिलता है। प्रलय का अर्थ होता है अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना, कृति का ब्रह्म में लीन हो जाना ही प्रलय है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रकृति कही गई है, इसे ही शक्ति कहते हैं। हिंदू धर्म के विभिन्न शास्त्रों के अनुसार प्रलय चार प्रकार की बताई गई है। पहला, किसी भी धरती पर से जीवन का समाप्त हो जाना। दूसरा, धरती का नष्ट होकर भस्म बन जाना। तीसरा, सूर्य सहित ग्रह नक्षत्रों का नष्ट होकर भस्मीभूत हो जाना। और चौथा, भस्म का ब्रह्म में लीन हो जाना, अर्थात फिर भस्म भी नहीं रहे, पुनः शून्य अवस्था में हो जाना। हिंदू शास्त्रों में मूल रूप से प्रलय के चार प्रकार बताए गए हैं, एक नित्य, दो नैमित्तिक, तीन विपार्त और चार प्राकृत। एक अन्य पौराणिक गणना अनुसार यह क्रम है नित्य, नैमित्तिक, आत्यंतिक और प्राकृतिक प्रलय। एक नित्य प्रलय, वेदांत के अनुसार जीवों की नित्य होती रहने वाली मृत्यु को नित्य प्रलय कहते हैं। जो जन्म लेते हैं उनकी प्रतिदिन की मृत्यु, अर्थात प्रतिपल सृष्टि में जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। दो आत्यंतिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय योगीजनों के ज्ञान के द्वारा ब्रह्म में लीन हो जाने को कहते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर उत्पत्ति और प्रलय चक्र से बाहर निकल जाना ही आत्यंतिक प्रलय है। तीन नैमित्तिक प्रलय, वेदांत के अनुसार प्रत्येक कल के अंत में होने वाला तीनों लोकों का क्षय या पूर्ण विनाश हो जाना नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। पुराणों अनुसार जब ब्रह्म का एक दिन समाप्त होता है तब विश्व का नाश हो जाता है। एक कल को ब्रह्म का एक दिन माना जाता है। इसी प्रलय में धरती या अन्य ग्रहों से जीवन नष्ट हो जाता है। नैमित्तिक प्रलय काल के दौरान कल के अंत में आकाश से सूर्य की आग बरसती है। इनकी भयंकर तपन से संपूर्ण जल राशि सूख जाती है, समस्त जगत जलकर नष्ट हो जाता है। इसके बाद संवर्तक नाम का मेघन्य मेघों के साथ 100 वर्षों तक बरसता है। वायु अत्यंत तेज गति से 100 वर्ष तक चलती है। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगता है, तब फिर से जीवन की शुरुआत होती है। चार प्राकृत प्रलय, ब्रह्मांड के सभी भूखंड या ब्रह्मांड का मिट जाना, नष्ट हो जाना या भस्म रूप हो जाना प्राकृत प्रलय कहलाता है। वेदांत के अनुसार प्राकृत प्रलय अर्थात प्रलय का वह उग्र रूप जिसमें तीनों लोकों सहित महत्त्व अर्थात प्रकृति के पहले और मूल विकार तक का विनाश हो जाता है और प्रकृति भी ब्रह्म में लीन हो जाती है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य अवस्था में हो जाता है। न जल होता है, न वायु, न अग्नि होती है और न आकाश और न अन्य कुछ, सिर्फ अंधकार रह जाता है। पुराणों अनुसार प्राकृतिक प्रलय ब्रह्मा के 100 वर्ष बीतने पर अर्थात ब्रह्मा की आयु पूर्ण होते ही सब जल में लय हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता। जीवों को आधार देने वाली ये धरती भी उस अगाध जल राशि में डूबकर जल रूप हो जाती है। उस समय ये जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में और आकाश महतत्व में प्रविष्ट हो जाता है। महतत्व प्रकृति में, प्रकृति पुरुष में लीन हो जाती है। उपचार प्रलयों में से नैमित्तिक एवं प्राकृतिक महाप्रलय ब्रह्मांडों से संबंधित होते हैं तथा शेष दो प्रलय देवधारियों से संबंधित हैं। यदि आप हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि वेद, पुराण और भी अन्य दिव्य ग्रंथ और महापुरुषों की रचनाओं को, तो आप इस लिंक पर जरूर जाएं। यह आपके लिए विज्ञानम की भेंट है।